नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करके अपनी सेहत को और अपनी खूबसूरती को बनाए रख सकते हैं, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने चेहरे को दमकता हुआ बना सकते हैं। कौन सी हैं ये सब्जियाँ और इनका क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आज इस वीडियो में हम आपको सब तरह की बातें बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, टमाटर। टमाटर के रस में नींबू का रस मिलाकर लगाने से खुले रोम छिद्रों की समस्या दूर हो जाती है। ऑयली त्वचा होने पर टमाटर को आधा काट कर चेहरे पर रब करें। कुछ देर बाद चेहरा धोकर पोंछ लें। ऐसा करने से अतिरिक्त ऑयली त्वचा ठीक हो जाती है और आपकी स्किन में निखार आता है। नंबर 2, आलू। आलू की पतली स्लाइसें आंखों पर रखने से थकी आंखों को राहत मिलती है। कच्चे आलू का रस आंखों के डार्क सर्कल को दूर करता है। आलू उबालने के बाद बचा पानी फेंकिए नहीं, इसमें कुछ देर हाथ डुबो कर रखें, फिर साफ पानी में धोएं। ऐसा करने से आपके हाथ मुलायम होंगे और साफ भी हो जाएंगे। नंबर 3, खीरा। खीरा नेचुरल क्लींजर है। ऑयली स्किन वालों के लिए यह बहुत लाभदायक है। खीरे के रस में चंदन पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर लगाएं, कुछ देर बाद धो लें। इसके नियमित प्रयोग से चेहरे की झाइयाँ ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा खीरे के रस में गुलाब जल और कुछ बूंदे नींबू का रस मिलाकर लगाने से चेहरे का रंग साफ हो जाता है। नंबर 4, पुदीना। महकता पुदीना आपको मुहासों की समस्या से मुक्ति दिला सकता है। पुदीना पेस्ट में चंदन चूर्ण और मुल्तानी मिट्टी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, सूखने के बाद इसे धो लें। इसका नियमित इस्तेमाल पिंपल दूर करने में बहुत सहायक होता है। नंबर 5, मूली। मूली सलाद की शान होती है। यह मुरझाए चेहरे में नई जान डाल सकती है। मूली के रस में मक्खन मिलाकर नियमित चेहरे पर लगाने से रूखापन और झाइयाँ दूर होती हैं। मूली का रस ब्लैक हेड से निजात दिलाता है। अगर आप मूली का रस पीते हैं तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको 1% भी अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी हेल्थ से जुड़ी हुई और जानकारी लेकर आते रहें। आप हमेशा स्वस्थ रह सकें,